jitātmanaḥ praśāntasya paramātmā samāhitaḥ śītoṣṇa-sukha-duḥkheṣu tathā mānāpamānayoḥ. So we were discussing last time, friend and enemy, correct? Two times already over. Mind is a friend and mind is the enemy. One very nice point we developed last point, that our weakness is we consult the mind. That is all of us, our weakness. Hamara ek kamjori hai. Hum man se poochte hain kya kare. And that is how we get trapped. Because presently mind is our enemy. Enemy ka kaam hai to harm you. Aapka jo dushman hai, what is his work? Somehow to harm you. And how it will harm you? It will entangle you. It's a stupidness. It will entangle you. And then you are lost. Okay, you can understand? So therefore, mind is our enemy. How do we know mind is friend or enemy? You see what is the conception it is in. Agar aap ye soch rahe aap shareer hain, toh mind is your enemy. And if you are thinking mind is your, you are not the body, your soul, now mind is your friend. Now how many of us is sthiti pe hai, man absorbed hai. Tasmat guru prapadyeta jigyasu shreya uttamam. Shabde parechan isnatam brahmani upasamashayam. Kitne log hai? Brahmani upasamashayam. Brahman pe sthit man hai. Koi hai? Nahi. Isliye aapka man abhi dushman hai. Kaise pata chal sakta hai? Aapko koi milne aaya. Kaise pata chala hai aapka dushman hai dost hai? Aapko parakhna padta hai na? Test karna padta hai. To aapko ye pata karna hai aapka man aapka dushman hai dost hai. Kaise pata karoge? Dekho kis sthiti pe mind meditate kar raha hai. अगर माइंड इस चीज़ में मेडिटेट कर रहा है कि आप शरीर हैं तो आपका दुश्मन है और आप इस चीज़ में मेडिटेट कर रहा है कि आप आत्मा है अब आपका दोस्त बन गया ठीक है डज इट मेक सेंस मीनिंग समझ आ रहा है फ्रेंड एंड एनिमी सो प्रेजेंटली एक्चुअली द रियलिटी इज माइंड इज अवर एनिमी सो इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट एंड ये दुश्मन आपको परमात्मा के पास नहीं जाने देगा ही विल नॉट अलाउ यू उसका मालूम है वो तो सबको उसका सब, ये तो उस ऐसा नहीं है कि एक्चुअली माया हमारा एनिमी है नहीं इट्स अ टेस्ट आई टोल्ड यू नो सो मेनी टाइम कृष्णा टेस्ट वेदर यू वांट टू सर्व हिम और यू वांट टू डिस्टर्ब हिम ठीक है ना यू गॉट इट और नॉट दैट द टेस्ट सो दैट द सेम टेस्ट इज देयर जस्ट लाइक वैकुंठ मा यू वांट टू एंटर नो यू विल डिस्टर्ब नन ऑफ अस कैन एंटर वैकुंठ नाउ बिकॉज वी आर डिस्टर्बेंस नाउ क्यों हम अपने मन के गुलाम हैं अभी इसलिए गुरु की जरूरत होती है काटता ना इसलिए कृष्ण में भगवद्गीता में बोलते हैं ना प्रज्ञावादाम से भाष्य से अर्जुन बड़े विद्वान की तरह बोल रहे हो जैसे आपको कुछ काटना है जोर के मर्सीलेसली काटना पड़ता है ना ऐसा होता है अरे नहीं काट काट करे रस्सी काट रहे अगर रस्सी बोले अरे नहीं काट आपको यू हैव टू बी मर्सीलेस व्हेन यू आर कटिंग राइट सो गुरु ऑल्सो और आचार्य ऑल्सो कृष्णा ऑल्सो भगवद्गीता में ही थी अर्जुन रो रहा नहीं अर्जुन नहीं अर्जुन नहीं व्हाट डिड कृष्णा से अशोचान वनो शोचस्त्वम प्रज्ञावादाम से भाष से गतासून अगतासून च नानु शोचन्ति पंडिता अर्जुन ये क्या मूर्खों जैसी बात कर रहे हो तो नो नो वैल्यू क्या होता है ना क्रोकोडाइल टीयर्स We don't give value. Sentimental stuff we should not give value. What is wrong, what is good. We should not be sentimental in spiritual life. Then will not progress in spiritual life. Hai na? Correct? We should be sentimental? No, we should not be sentimental. So we have to be sometimes little hard. Huh? Correct? Cutting. Cutting is a little hard. The Prabhupada ki class nahi itni strongly. Guru matlab heavy. Kitne jor se Prabhupada ji cut karte hain. Hamara जनरली जितने भी गुरु होते हैं उनका काम है भीड़ इकट्ठा करना अरे आ जाओ हमारे शिष्य बन जाओ कभी भी नहीं कुछ शब्द बोलेंगे कठोर शब्द
कभी भी नहीं बताएंगे आप गलत हो मूर्ख को, कभी नहीं बताएंगे उनको, भीड़ इकट्ठी करनी, पैसा इकट्ठा करना, सच बताएंगे कभी नहीं? ये तक कोई नहीं बताता कि आपको चार नियम पालन करना है ना। जितने भी आपके स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन हैं, किसी की हिम्मत नहीं होती बोलने की, क्योंकि तब तो भीड़ भग जाएगी। समझ रहे इस चीज को? यू अंडरस्टैंड? दे विल नॉट टेल यू, यू शुड नॉट स्मोक ड्रिंक, देन क्राउड विल गो अवे, दे विल बी साइलेंट। सो एक्चुअली इफ अ गुरु मीन्स हैवी एंड काटना बहुत जरूरी होता है। सो सिमिलरली वी हैव टू समटाइम्स बी वेरी हार्ड ऑन आवर माइंड। दरअसल भक्त संत प्रभुपाद का क्या फॉर्मूला है? अभी हमको परमात्मा का दर्शन करना है तो मन से जीतना पड़ेगा। ये आपको परमात्मा के दर्शन, ये गेट कीपर है, आपको नहीं घुसने देगा, दुश्मन आपका है। क्या है? दुश्मन है। माया इज लाइक प्रेजेंटली, ऐसा नहीं माया हमारा एनिमी है। जैसे आप पढ़ाई किए, किसी को मालूम होगा, टीचर अपना दुश्मन लगता है आजकल के ज़माने में तो डेफिनेटली। जब टीचर के रूप में अंदर घुसते हैं, आ गया राक्षस। और पर्टिकुलरली याद है हमको, अगर टीचर क्विज हाथ में लेके आता था तो और गुस्सा आता था उस पर, आज ही आना था इसको सम सरप्राइज क्विज। सो सेम वे हम लोग माया को भी दुश्मन सोच रहे हैं। ऐसे माया का दुश्मन काम नहीं, जैसे टीचर का काम है दुश्मन है क्या आपका? वी आर सेइंग माइंड इज द फ्रेंड और माइंड इज द एनिमी। माइंड क्या काम है? द पॉइंट इज दैट इट इज ट्राइंग टू, कृष्णा इज नॉट योर एनिमी, फाइनली माया इज अंडर योर कंट्रोल, कृष्णा कंट्रोल। इट इज ऑनली ट्राइंग टू टेस्ट यू टू यू एडवांस। टीचर आपका दुश्मन थोड़ी है, ये गिव्स यू सम एग्जामिनेशन सो दैट यू नो वेर यू आर सिचुएटेड। तो माया का जब जाल आपके ऊपर आता है, आप समझ सकते हो किधर आपकी स्थिति है, तो तरह तरह के उछल पुथल कृष्णा कराएंगे, और उसमें हर चीज़ में आप अपना इंट्रोस्पेक्शन करके देख सकते हो, एंड देन यू कैन प्रोग्रेस। करेक्ट? You can be careful, tame your mind, be careful, that is important. So this is one point. Then another thing we can develop is that, general. Agar aapko koi kila hai, bahut bada kila hai, bhayankar yuddh ho raha hai, agar aapke paas ek bahut bada general aa jaye, general samajhte hai? Commander. To aap to yuddh, aapko koi dhar nahi, he will take care. So Prabhupada says very nice thing, that what? Make Krishna the general of your mind. Savai mana Krishna padar vindhyo. Krishna ki charan mein man ko laga do. To kya hoga? Kya hoga tha? And can Maya fight, no? So he is very powerful. So actually, you know, it is not easy. It is said, the mind has to be trained now. Abhi man ko training karne ka jarurat hai. We have to train our mind. Actually, mind is neither friend or enemy, just like chaku. We discuss this in classes of students. Hindi samajh aata hai na? Chaku. Chaku hamara dost hai, enemy hai. It depends aap kaise usko use karoge. So mind is only an instrument. Aap usko kaise use karoge, that will define it is your friend or enemy. What is it? Make sense? समझ आ रहा है? अब चाकू को कैसे यूज करोगे, उसका कट 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 करके अच्छा सब्जी बनाओगे, कुछ बनाओगे, इट इज योर फ्रेंड। और चाकू से हाथ काटोगे, इट्स योर एनिमी। चाकू को कोई गलती नहीं है, गलती आपकी है। तो सिमिलरली कैसे मन आपका दोस्त या दुश्मन है आपके ऊपर है। सो हाउ डू यू ट्रेन द माइंड? कैसे ट्रेन करोगे माइंड को? बाय संगा। संगात संजायते, वेरी गुड, या संगा संजायते कामा। ठीक है, संग से आपके मन में डिजायर्स डेवलप होते हैं। सो व्हाट यू डू देन? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। जब आप हरि नाम मंत्र का जाप करते हो तो क्या होता है? आपका मन हरि नाम से संग ले रहा है। जब हर दिन आप भगवद्गीता भागवत पढ़ते हैं, क्या होता है? आपका मन कृष्ण कथा से संग ले रहा है। तो क्या होता है? मन आपका धीरे धीरे फ्रेंड में जाए, ग्रेजुअली, एक स्टेप में नहीं होता, धीरे 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 माइंड बिकम्स मोर 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 स्ट्रांग। ये भी समझ आ गया? अब नेक्स्ट थिंग द श्लोका इज टॉकिंग, पिछली बार का एक चीज कंप्लीट करना था, देन आई विल टॉक अबाउट सन, याद करना सन। समथिंग आई सेड लास्ट टाइम वॉज दैट our weaknesses, we consult our mind.
और वहाँ माया आपको अटैक करती है. माया देखती है लूपहोल किधर है. ठीक है, माया इज प्रैक्टिकली एक्टिंग लाइक एनिमी. आप किधर, लूपहोल किधर है? लूपहोल है कि मन को कंसर्ट कर दे, माया अटैक्स है. Prabhupada also says in the say, he said, I came to America and this movement has started very vigorously and Maya got scared and Maya attacked me, mere heart ko daba diya and I had to come to India. In one sense, he says. So practical purposes we say, Maya acts like enemy. Theek hai, dushman nahi hai, but practical purposes it's enemy. So now, instead of consulting the mind, agar hum Krishna ko consult karenge, Krishna is never your enemy. सुहृदम सर्वभूतानाम इज ऑलवेज योर बेस्ट फ्रेंड. क्या है? हमेशा आपके बेस्ट दोस्त. सुहृद मतलब हमेशा आपका अच्छा सोचते रहते हैं. आपसे बहुत कम लोग मिलेंगे. करें कभी आप अच्छा सोचेंगे, आपके अच्छा सोचेंगे. मैं आपको स्क्रैच करूंगा, आप बहुत अच्छे हो प्रभु. हाँ अभी बहुत अच्छे हो. करें जनरली ये होता है दुनिया में, है ना. दो बंदर नहीं होते एक दूसरे के पीठ में स्क्रैच करते हैं. जनरली इस दुनिया में ऐसा. बट एक्चुअली कृष्णा इज ऑलवेज आवर बेस्ट फ्रेंड. मन को कंसल्ट करते हो, समटाइम्स इट गिव्स गुड आइडिया, समटाइम्स इट गिव्स बैड आइडिया. इज डेंजरस, यू नॉट एबल टू डिस्क्रिमिनेट. इट मे लैंड यू इन अ मेस. बट इफ यू, व्हाट यू डू, इफ यू कंसल्ट कृष्णा, इफ यू कंसल्ट भगवद गीता, देन व्हाट इज द एडवांटेज? यू विल नेवर गेट अ रॉन्ग आइडिया. यू अंडरस्टैंड? यू विल नेवर गेट रॉन्ग आइडिया. If you say, you make a discipline every day. What is the discipline you make? That every day I read 1 hour. That's my request, everybody. Kita time padte ho then? Prabhuji, ek ghanta? Everybody I request, make 1 hour reading. Then, you are sitting with your best friend. Take care. And what is going to happen? If you are doing that, then there is some hope. Hope is this. Just like Suraj ko, aap Suraj ko dekhna chahte hai. Can you force? Utho bhi? 8:05 hai, 8:10 tak Suraj uth jana. In symbolism it is said, true, it's a different system. It will rise when he wants to rise. You cannot do anything, correct? It is by his own will it comes. So very, very interesting thing is, Krishna also rises by his own grace. Correct? Hey Shiva, koi bacche log ko bola. Shiva, Krishna also rises by his own grace. Samajh rahe? It is not that he rises by your order. When Krishna is pleased, then he will rise. So this element should be very nicely understood, that Krishna will reveal to us. There are, say, 26 qualities of a Vaishnava. When you cultivate those qualities, when Krishna becomes attracted, therefore Prabhupada says, don't try to see Krishna. Then what he says? Krishna. Do something that Krishna will see you. Do something. Just like I told you that day, Rupa Goswami, he did it. Establishment of Lord Chaitanya. Then Bhaktivedanta Thakur did it. He single-handedly revived the movement of Lord Chaitanya. Similarly, Prabhupada did it. Expanded the movement all around the world. So we should see that you do something that Krishna will get attracted to you. As I coach, don't take it very joke. Spiritual life is not a joke. You have to do something that Krishna becomes attracted. Kuch karna padega. Krishna bahut aapse khush hai. Kare? Is very important. Prabhupada also gives an example of cataract. Cataract, samajhte hain aap log? Aankh mein cataract hota hai na? Koi Prabhupada ji ko bola, kaise bol sakte ho Bhagwan hai? To Prabhupada ji ne, ye 2-3 minute ka kaam nahi hai aisa. Aapka cataract nikalna padega. Jaise cataract hota hai to humko dekh nahi sakte. Kya bolte hain? Haan, theek hai. So same way, aapko abhi spiritual cataract. So once that is taken away, then we can see. Then how? What are the symptoms? Bhai koi bolega mere ko paramatma ka darshan hai. I remember this is a very nice incident. When I joined the temple, it's a long time ago.
And little, always it is there. Community, not everybody is. So we had 5 people are joined together. Sometimes they get some service, I don't get service. I used to feel very disturbed. So I went. Hota na kabhi kabhi. So I went to the one elder devotee. He said, please guide me. I feel like this. He said, you have forgotten for what you came. You came to see Paramatma, you have forgotten. So once actually you become fixed up for what you have come. We have come to Krishna conscious movement to go back to Krishna's lotus feet. We should not forget that. Kisle aaye? We forget that actually. Baki natak mein we become busy. We forget the real business. Agreed? Jab aap school college join karte hain, we should not forget my real business. What is my real business? To pass the college. So similarly, the real business to go back to Krishna, that we should not forget. So if that business is very fixed, then the mistake will not occur. So the cataract means it is not just information. Okay, I got some philosophy. No. You have to have, therefore, say, jnana vijnana. There should be application of that philosophy. And what happens when the application of philosophy is there? Then your cataract will get removed. Jo cataract nahi hai, toh kya hoga? You are able to see Krishna face to face. By His own grace, by His own kindness, Krishna will reveal in the heart. And what is the symptom of that? The symptom of that is given in the shloka. Jitātmanaḥ praśāntasya. Okay? Mind is obstructing you to reach Krishna because He is giving you so many funny ideas. Paramātmā samāhitaḥ. Then you are situated, you are able to fully realize Paramātmā. śītoṣṇa, what is the symptom of that? Hum log bolne ke bhai sab Paramātmā dikh raha hai, mera adhyatmik pragati ho gaya bhai, theek ho bhai, but how do we know? śītoṣṇa, you are not affected by the dualities. Ye duniya mein everything is duality, samajh rahe? Thanda garam, śīta thanda, uṣṇa śīta ātapa, kitna jagah aata hai. Sukha-dukha. Sukha-dukha. In this word sometimes you have tathā mānāpamānayoḥ. Sometimes you're honored, sometimes you're dishonored. It's good actually. Should be there. Then what happens? You can know whether you're on the spiritual platform. Because then you can. And Krishna gives you an exercise in all these things. Now it is so hot. Garmi hai. Bahut garam lag raha. Sab log pasina beh rahe. Sita uṣṇa. Sukha dukha. Sometimes you're very happy, sometimes you're unhappy. Sometimes you're honored, sometimes you're dishonored. So as we spiritually advance, what is going to happen? We become indifferent to all this. Okay? That means we are situated on the spiritual platform. So the Krishna will is in full control. So He keeps arranging all these things. And we can know that now we are on the way to see Paramatma. Krishna wants us to see His feature in the heart. Is there nearest to us. But for us to see that, Krishna will help in so many ways. Okay? Srila Prabhupada ki. Bhagavad-gita ki.